जी बच्चों, अब हम करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, जो कि है 13.3 इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट। जी बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है, करंट के क्या इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको बताया था कि हमने करंट के बारे में जब पढ़ना है तो उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ना है। तो जब करंट जो है गुजरता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो हमें कैसे पता चल सकता है कि उसमें से करंट गुजरा कि नहीं गुजरा? तो डिफरेंट फिनोमिना है दो तीन, जिसको अगर हम डिटेक्ट कर लें तो हम कह सकते हैं कि उसमें से करंट गुजर रहा है जी, उस कंडक्टर में से। ठीक है, वो फिनोमिना जो है, ये तीन तरह के इफेक्ट जो है डेवलप करते हैं जब करंट जो है कहीं से गुजरता है। तो ये तीन किस्म के फिनोमिना जो है बच्चों, ये तीन किस्म के इफेक्ट कह लें आप, बेसिक थ्री इफेक्ट है, इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट हैं करंट के, लेकिन थ्री बेसिक इफेक्ट थ्रू विच यू कैन डिटेक्ट, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन प्रिडिक्ट द फ्लो ऑफ द करंट। ओके, सो द फर्स्ट इफेक्ट इज द very common effect, you can observe heating effect. जी पहला है heating effect, दूसरा जो है हमारे पास वो है magnetic effect, जो है इन facts के through जो है हम easily predict कर सकते हैं कि वहां पर electric current है कि नहीं। दूसरा है magnetic effect. magnetic effect. तीसरा जो है बच्चों वो है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो ये तीन इफेक्ट ऐसे इफेक्ट हैं जिनके थ्रू जो है हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है। लेट्स डिस्कस दीज थ्री इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट जो है हम डिस्कस करते हैं, जो कि है हीटिंग इफेक्ट, यानी कि हीट का प्रोड्यूस होना। जी बच्चों, पहला इफेक्ट हम डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट। तो ये बड़ा कॉमन सा और आम सा फिनोमिना भी है कि जब आप अपना सेलफोन चार्ज कर रहे होते हो या आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलती है, तो आप थोड़ी देर उसको टच करके देखो या उसकी वायर को टच करके देखो, आप एडाप्टर को टच करके देखो, तो हीट हुआ होता है वो। ठीक है, यानी कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो होता क्या है, मैंने जब उस दिन क्रॉस सेक्शनल बनाया था बैटरी कंडक्टर का, ये क्रॉस सेक्शन था, तो इसके अंदर हमने देखा था बच्चों कि इस क्रॉस सेक्शन के अंदर हमारे पास पॉजिटिव आयन भी थे और नेगेटिव आयन भी थे। ठीक है, पॉजिटिव एटम्स या एटम्स कह लें उन्हें, सिंपली एटम कह लें, पॉजिटिव कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों जब इन एटम में से जब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब मूव करते हैं इसमें से, तो वो टकराते हैं टू द लेटेस्ट एटम्स। ठीक है, होता क्या है, कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो हम कहते हैं करंट जो है हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर की वजह से होता है। वो फ्री चार्ज कैरियर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं, तो ड्यूरिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या करते हैं, ड्रिफ्टिंग वो एटम्स जो होते हैं, लेटेस्ट एटम्स जो होते हैं उनसे टकराते हैं, उनके साथ उनकी कोलिजन होती है। ठीक है, तो रेंडमली मोशन के दौरान भी उनकी कोलिजन हो रही होती है, लेकिन जब इन्हें एक बैटरी या सोर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, तो इस सोर्स के थ्रू जो जब ये फ्री चार्ज कैरियर जब मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, तो ये कंडक्टर जो है हमारा, ये पूरी वायर है, ये वही चीज़ है। ठीक है, ये वो सेपरेट चीज़ भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट की हुई, ये पूरी वायर है, यहाँ पे मैं पूरी नहीं बना सकता इस तरह, लेकिन इसको मैंने इतना सा पोर्शन इसका लिया हुआ है। अच्छा जी, होना क्या है, जब इसमें से ये फ्री चार्ज कैरियर जब मूव करेंगे, ठीक है, इन फ्री चार्ज कैरियर ने जो लेटेस्ट एटम्स होते हैं जो कि बैकग्राउंड के तौर पर होते हैं, उनसे इन्होंने कोलाइड करना होता है। ठीक है, तो इनकी पता नहीं कितनी नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड्स होती हैं, जो मेटल्स जो होती हैं उनके लेटेस्ट एटम्स होते हैं उनके साथ, जब इनके साथ कोलाइड करते हैं तो ये अपना मोमेंटम, अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हैं, जब उनसे टकराते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन भी और ड्यू टू द मोमेंटम शिफ्टिंग, एनर्जी शिफ्टिंग, तो वो जो पीस ऑफ वायर या पीस ऑफ कंडक्टर होता है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो इसी वजह से
हम जो हैं कहते हैं कि उसकी उस मेटल मेटालिक कंडक्टर की या उस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो ऑपोजिशन फेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स व्हेन दे मूव थ्रू द कंडक्टर और थ्रू द लेटेस्ट एटम्स, तो उन्हें बार बार क्लोइन का सामना करना पड़ता है जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे अपीयर होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो वो हीटिंग फैक्ट जो है हम लिख सकते हैं वो होता है हमारे पास एच हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है। आई करंट जो है उसका स्क्वेयर लेना है, आर जो है उस मेटेलिक कंडक्टर उस वायर की रेजिस्टेंस है, और टी टाइम वो टाइम है जो कि एक फ्री चार्ज कैरियर को एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचते हुए लगता है, वो टाइम होता है। तो हीटिंग इफेक्ट जो है बच्चों, इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, हीटिंग इफेक्ट जो है आप बहुत कॉमनली देख सकते हैं कि हमारे जितने भी बॉयलर्स होते हैं, हीटिंग बॉयलर, इलेक्ट्रिक हीटर, और सबसे कॉमन बात जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इस्त्री जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी यही फिनोमिना जो है वो यूटिलाइज होता है, हीटिंग इफेक्ट जो है, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट जो है उसी को यूज़ करके बच्चों हम कपड़े अपने इस्त्री करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिक कैटल जो है, जो आप चाय बनाते हो इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर, टोस्टर जो है, इलेक्ट्रिक जो आपके हीटर्स हैं, ठीक है, ये सारी इसी ही फिनोमिना की बेस के ऊपर, या कह रहे इसी इफेक्ट, करंट के इस इफेक्ट की बेस के ऊपर उन एप्लीकेशन को डेवलप किया गया ताकि हम उससे इस्तेफादा कर सकें, उससे हम फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अगला जो इफेक्ट जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट जी। सेकेंड इफेक्ट जो है वो है हमारे पास कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट जी। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, दिस इज द सेकेंड इफेक्ट यू कैन प्रिडिक्ट द प्रोडक्शन और द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हेन द करंट पास थ्रू अ वायर, ये हमारे पास एक वायर है, ये मैं बुक से हटके थोड़ी सी डायग्राम बना रहा हूँ, डोंट बी पजल, कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, जब बच्चों इसमें से करंट गुजरना है इस तरफ, फ्री चार्ज कैरियर जो है वो मूव करने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब इसके इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरना है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने से पहले जो है हमारे पास जीरो करंट था, ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता गया, ठीक है। फिर हम देखें पहले फील्ड कम होती इन साइड द कंडक्टर, और फिर फील्ड बढ़ती जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेलप हो जाएगी। जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेलप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, तो इसके अराउंड जो है, इस कंडक्टर के अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो डिवेलप हो जानी है। इस कंडक्टर के अराउंड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाती है। जैसे कि उसने एक एग्जांपल ली हुई कार्डबोर्ड वाली, कि आपके पास आप एक कार्डबोर्ड लो, ठीक है, इस कार्डबोर्ड के थ्रू जो है आप क्या करो, किसी भी कॉपर वायर को या कंडक्टर को कह लें वो गुजारे आप, ठीक है, ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा इसमें से, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इसमें से गुजरा, जब इसमें से जीरो इलेक्ट्रिक करंट था, फिर ऐसे ऐसा मैक्सिमम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होगी। तो बच्चों ये देखा गया है, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, तो इसके अराउंड जो है सर्कुलर फॉर्म में क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस सर्किट, इस कंडक्टर के अराउंड सर्कुलर फॉर्म में क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम इस कार्डबोर्ड के पास जो है कंपास रख दें, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके जो सर्किट है वो आपका वो जो आपका कंडक्टर है वो नेकड़ होना चाहिए, ठीक है, वायर में से जो कॉपर वायर वो नेकड़ होना चाहिए। लेकिन आप जो है ये लैब के अंदर भी हम जो है इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं कि जब आप कंपास रखते हैं तो कंपास जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है अराउंड द कंडक्टर जो है वो शो करती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम राइट हैंड रूल के थ्रू जो है राइट हैंड रूल
जी बच्चों, इस रूल के जरिए जो है, इस रूल को यूज करके हम जो है मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी कंडक्टर के अराउंड डेवलप होनी है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है बच्चों ये एक कंडक्टर, ठीक है, इसमें से करंट गुजर रहा है। सपोज ये जो टिप है ब्लू, ठीक है, आपको नजर आ रही होगी, ये एक कंडक्टर है मेरे पास मार्कर, ठीक है, इसकी ब्लू टिप है, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है कंडक्टर करंट की, ठीक है। कह रहे हैं कि जिस तरफ इसकी टिप है मार्कर का जो लिड है, इस तरफ इसकी डायरेक्शन है करंट की, ठीक है। अगर इस तरफ डायरेक्शन है, हमने सिंपली करना क्या है, हमने बच्चों उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इस तरह पकड़ना है कि हमारा थंब जो है उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट की, ठीक है। अगर ये डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड मैं ऐसे इसको ऐसे पकड़ लूंगा, ये थंब जो है मेरा राइट हैंड का उसकी डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की तरफ मैंने इसे पकड़ लिया है, आपकी ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, ठीक है, ये जो कर्लिंग फिंगर जो है ये आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच डिवेल्प अराउंड द कंडक्टर पॉइंटिंग आउट, ठीक है। जो कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है ये उसको शो करेगी ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स। तो इस तरह जो है बच्चों किसी एक सिंगल वायर कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है, किसी कॉइल के अराउंड प्रोड्यूस हो सकती है, सिमिलरली सोलेनॉइड के अंदर भी जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिवेल्प हो सकती है, जैसा कि तीन डायग्राम दिखाई गई हैं आपकी बुक के अंदर भी, ठीक है। एक कॉइल के अराउंड भी, ये कॉइल है, ठीक है, ये क्वाइल है बच्चों। तो जो एरो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड शो करता है, इनसाइड द पेपर, ठीक है। ये क्रॉस जो होता है ना, ये वाला क्रॉस, ये क्रॉस का मतलब होता है कि फील्ड हमारी इनसाइड द पेपर है। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा, ठीक है, ये शो करती है आउटसाइड। कैसे बोला बच्चों, कि आपके पास जो एक एरो होता है, ठीक है, वो इस तरह होता है, जबकि एरो की एक का आगे क्या होती है, टिप होती है, ठीक है। जब एरो इस तरफ जा रहा है तो पीछे आपको ये क्रॉस नजर आएगा उस एरो का, ठीक है, लेकिन अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तो सिर्फ आपको एक डॉट नजर आएगा, अगर बिल्कुल स्ट्रेट आप देखते हो उसको। तो अगर इनसाइड है, इनसाइड द पेज है, तो पीछे से क्रॉस वो आपको शो करता है कि इनसाइड द पेज है मैग्नेटिक फील्ड। अगर आउटसाइड द पेज है, ठीक है, तो वो हमारे पास डॉट के जरिए जो है हम इसे शो करते हैं। तो इस तरह जो है आपके अराउंड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस हो जाती है इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉइल के, इसी तरह बच्चों सोलेनॉइड जो होगी उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाती है। ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर सोलेनॉइड है जो उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो मूव करेगी, इसी तरह इसके अराउंड भी होगी, नीचे भी ऊपर भी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, जो आपकी बुक के अंदर डायग्राम भी बनी हुई है। ये हमारे पास सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है हमारे पास एक ब्लू कलर में जो बनाएगी, ये सोलेनॉइड है, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न जो है ये सोलेनॉइड के, तो इस सोलेनॉइड के अंदर जो है, या कह लेंगे मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होती है। ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है बच्चों, ये सोलेनॉइड। तो इस सोलेनॉइड के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह होगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, लेकिन ये इस तरफ आती हुई इस तरह होगी, इसी तरह इस तरफ होगी, ठीक है। इस तरह जो है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस भी शो करती है कि वहां पे करंट है, ठीक है। थर्ड फैक्ट जो है बच्चों जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, थर्ड फैक्ट इज द केमिकल फैक्ट, जिसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था जब हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है डिवेल्प होता है मूवमेंट ऑफ द, जिसमें हमने देखा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह लिया था। तो थर्ड फैक्ट जो है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द थर्ड फैक्ट, केमिकल फैक्ट। जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड फैक्ट केमिकल, केमिकल इफेक्ट।
जी बच्चों, दिस इज अ थर्ड फैक्ट विच डेवलप व्हेन अ करंट इज पासिंग. अब हमने ये थर्ड फैक्ट जो है, हमारे पास सर्टेन लिक्विड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जो कि कंडक्ट करते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है जिसमें वो फ्लूइड जिसमें से ईजिली जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, ठीक है, और वो कंडक्ट कर जाए, तो वो फिनोमिना, वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस. उसका नाम देते हैं हम किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं. तो बच्चों ये फिनोमिना जो है ड्यू टू द केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज जो है वो अकर होता है, जिस वजह से लिक्विड के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द ऑपोजिट आयंस, नेगेटिव आयंस एंड द पॉजिटिव आयंस. ठीक है, और यही फिनोमिना जो है हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अगर हमने एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को चढ़ाना है, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं, तो इस फिनोमिना को जो है प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर यूज किया जाता है. अगर आपने, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक मेटल है, चीप मेटल है, इसके ऊपर मैंने एक एक्सपेंसिव मेटल, या कह लें मेरे पास ये कॉपर है, इसके ऊपर मैंने गोल्ड को चढ़ाना है, ये मेरे पास गोल्ड है, तो मैंने देखते हैं कि उसका हम सोल्यूशन बना लेते हैं कॉपर सल्फेट का, उसका इलेक्ट्रोड बना लेना है. ठीक है, कॉपर सल्फेट कर दिया. अगर मैंने, ये गोल्ड है, ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर के ऊपर मैं चढ़ाना है, तो मैंने क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोड बना लेना है कॉपर का, ठीक है, और गोल्ड का सोल्यूशन जो है वो ले लेना है कॉपर सल्फेट के अंदर वही. ठीक है, तो इसने आहिस्ता आहिस्ता क्या आना है, इसके ऊपर कॉमुलेट होना शुरू हो जाना, वो हम देखते हैं कैसे होता है. तो लिक्विड जो है वो करंट को कंडक्ट करता है, तो वो लिक्विड हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट. वो लिक्विड जो कि करंट को कंडक्ट करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. जी, उसको हम नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है, और वो मटीरियल जो कि इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम डिप्ट करते हैं, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोड्स का. वो सोलर मटेरियल क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं. ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोड को जब हम कंडक्ट, ये हमारे पास थोड़ा मैं बना भी देता हूं, ये वेसल है, इसके अंदर सॉल्यूशन है मेरे पास. ठीक है, यहां पे मैंने एक डिप किया, एक मैंने यहां पे डिप कर दिया. ठीक है, ये मेरे पास जो है दोनों मैंने इसके अंदर डिप किए हुए हैं. तो वो इलेक्ट्रोड जो के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, वो मेरे पास कहलाएगा एनोड. उसे हम नाम देंगे किसका, एनोड का. और वो टर्मिनल जो के नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ इलेक्ट्रोड जो है कनेक्ट करेंगे, उसका नाम देंगे कैथोड का. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. ठीक है, तो ये मेरे पास एक वेसल है, इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, इसके अंदर मेरे पास किसका सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. ठीक है, और मैंने ये इलेक्ट्रोड लिया है, इसको भी उसी कॉपर के ही आयन कह लेंगे, कॉपर का ही मैंने ये दो इलेक्ट्रोड जो है लिए हुए हैं, कॉपर मेटल के लिए हुए हैं. ठीक है, अब बच्चों वो वेसल जिसके अंदर हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन होता है, वो हमारे पास कहलाती है, ये पूरी वेसल जो से नाम देते हैं वोल्टामीटर का. इस वेसल को क्या नाम देते हैं, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर, नॉट वोल्टमीटर. ठीक है, इसको नाम देते हैं, इस वेसल को वोल्टामीटर का नाम देते हैं. अब फॉर एग्जांपल हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमने कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो इसके अंदर हमने कैथोड और एनोड के तौर पे कॉपर ही लिया हुआ है. ठीक है, और यहां पे हमने एक डिटेक्शन के लिए एमीटर यूज किया हुआ है. ठीक है, अब होना क्या है, जैसे ही इसमें से करंट गुजर रहा है, कॉपर ने जो है कॉपर सल्फेट जो है इसका दो आयंस बने, एक कॉपर आयन बनेगा सी यू डबल पॉजिटिव, और इसी तरह एक सल्फेट आयन बनेगा डबल नेगेटिव. ठीक है, जैसे इसमें से, इस लिक्विड में से, कॉपर सल्फेट के लिक्विड इन सॉल्यूशन में से जैसे ही करंट गुजरना है, तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन जो है इसके अंदर डेवलप होने हैं. ठीक है, अब ये कैसे डेवलप होते हैं, इसकी केमिकल इक्वेशंस भी हैं, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. अब बच्चों जैसे ही इसमें से कॉपर में से करंट गुजरना है, तो कॉपर आयन बनने हैं दो, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होने हैं. ठीक है, इसी तरह जो है बच्चों ये दो, ये वाला जो है ये कॉपर आयन जो है, ठीक है, इसी ने आगे जो है वहां पे जाके, ठीक है, किसी कॉपर आयन ने क्या करना है, ये कॉपर आयन ने जब पॉजिटिव है, ठीक है, इस कॉपर आयन ने जब दोबारा पास जाना है किसके, कैथोड के,
अब इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, इसने यही दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेने हैं, ठीक है। यही दो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके इसने कॉपर मेटल के तौर पे अकोमोलेट होना शुरू हो जाना है इस रॉड के ऊपर, ठीक है। ये रॉड जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसे हमने नोड का नाम दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो कॉपर आयन डिवेल्प हुए हैं, ठीक है, वो कॉपर आयन जो कि इस लिक्विड के अंदर डिवेल्प हुए हैं, वो कौन से थे इस सॉल्यूशन के अंदर? वो थे कॉपर आयन, ठीक है। इसी तरह हमारा जो दूसरा है कॉपर जो कैथोड है, उसने डिजोल्व होते जाना है। उसने जब डिजोल्व होना है सल्फर जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो वहां पे कॉपर आयन डिवेल्प होने हैं दोबारा, फिर सी यू डबल। उन्होंने जो जो सल्फेट आयन्स हैं इसके साथ मिलके फिर क्या बना लेना है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। इस तरह हमारा जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता। जितने हमारे इसमें से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसके अंदर जितने कॉपर आयन्स बने हैं, उन्होंने कैथोड के ऊपर जाके, यहां पे कैथोड के ऊपर जाकर उन्होंने क्या करना है, ये नोड है, कैथोड के ऊपर जाके इन्होंने डिपॉजिट होके यहां से दो इलेक्ट्रॉन लेने, इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाना है, इसके ऊपर डिपॉजिट होना है, एक्चुअली इसके ऊपर डिपॉजिट नहीं होना, उसके ऊपर कैथोड के ऊपर एक्चुअली इसने डिपॉजिट होते जाना है जो हमारे पास होने हैं कॉपर आयन होने। बाकी वो कैथोड जो हमारा एनोड के ऊपर है उसने डिसॉल्व होना है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो के बच्चों उसने सल्फेट आयन जो डेवलप हुए होने हैं इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उन्होंने उसके साथ कैप्चर होकर दोबारा फिर कॉपर सल्फेट, या एक कह लें कि अगर एक कॉपर आयन जो है जो कॉपर सल्फेट से डिसोसिएट होकर मूव किया है टूवर्ड्स द कैथोड, ठीक है, इसके ऊपर कॉमुलेट होने के लिए, वो एक आयन ही या कह लो एक एटम ही जो है कॉपर का वहां से टूटेगा एनोड से, वो डिसॉल्व होगा इनसाइड द सॉल्यूशन और वहां पे वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट बनाने के लिए। तो इस तरह जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन रहता है, और इस तरह इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है जो कि सॉल्यूशन से डिपॉजिट हुई है उस इलेक्ट्रोड कैथोड के ऊपर, उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो एनोड से डिसोसिएट होके सॉल्यूशन के अंदर जाएगी और सल्फर के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाएगी। तो ये प्रोसेस जो है मैं पहले बता चुका हूँ किस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम देते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और इसी प्रोसेस को जो है हम एक चीपर मेटल के ऊपर जो है एक एक्सपेंसिव मेटल जो है उसकी कोटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास किस कोई भी अगर आयरन की मेटल है उसके ऊपर हमने गोल्ड या सिल्वर जो है उसकी कोटिंग करवानी है तो उस प्रोसेस का नाम देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, और ये वही प्रोसेस है, ठीक है। तो ये इसकी ये मैंने सिंपल डायग्राम बनाई है, आपकी बुक के अंदर भी इसकी एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाई गई, वैसे ली गई है, ठीक है। उसके अंदर सॉल्यूशन लिया गया कॉपर सल्फेट का, दो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है यूज़ किए कैथोड एनोड है कैथोड से, कैथोड के ऊपर जो है कॉपर सल्फेट जो है यहाँ कॉपर आयन बनने हैं, उन्हें कॉमुलेट होना है और उतने ही डिसोसिएट होने हैं एनोड से जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होके सल्फर के साथ कैप्चर होके कॉपर सल्फेट जो है वो बनते जाने, जितने वहाँ से डिसोसिएट होने हैं उतने ही वो कॉमुलेट होने हैं। तो ये यूनिफॉर्म जो जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म रहती है।